हेलो एवरीवन, मैं रिजवान अहमद अंसारी और आप जो है स्मार्ट एवे चैनल पे विजिट किए हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वगैरह इन्वॉल्व किया हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल कहते हैं कि IIT का इतना लेवल जो है ना, या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह का लेवल आजकल बहुत गिर गया है, एजुकेशन का सिस्टम बहुत ज्यादा गिर गया है। बट ऐसा सोचना मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है ना। ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन कभी पेपर इजी आ जाते हैं, कभी ज्यादा टफ लगता है। ठीक है, अगर हम पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन हमारे इजी लगेंगे, नहीं पढ़े हुए हैं फिर उसको साइन 45 डिग्री की भी वैल्यू जो है उसे ज्यादा टफ लगेगी। ठीक, तो ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम जो है कुछ ना कुछ सोच करके जो है ना क्वेश्चन वगैरह सेट किया हुआ है, एरर तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाते हैं। व्हाटएवर, तो ये जो है ये आपकी दुनिया बदलने वाला है। एक्चुअली लगता है कि सर एक्सपोनेंशियल की कोई जरूरत नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम में जो है इसको लिखते तो फिर ज्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है। और मैं इसका एक इमेज क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं अभी बोर्ड को जो है रब करूंगा, साफ करूंगा, तो फिर ये क्वेश्चंस तो हमारे मिट जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि प्लेन पेपर वगैरह पे मैं क्वेश्चंस नोट करके रखूँ। ठीक है, तो इसमें है कि आपको लगेगा कि हाँ हमारा क्या दुनिया चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करना होता है ये औकात पता चलेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर कुछ बच्चे जो या तो रूट लॉस कर देते हैं, या तो गलत टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं, या फिर कोई हमारा एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आता है उसको भी रख लेते हैं। मैंने जानबूझ करके आज ये प्रॉब्लम्स के लिए क्लास रखी है, प्रॉब्लम्स के लिए मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ये चीज जरा ध्यान में रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को। ठीक है, जो चीजें आपको एक प्रॉब्लम में बेस मिलेगी वो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा कि आप इसे खुद ट्राई करना। ठीक है, एंड ट्राई करके आप चाहें तो आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर हमें प्रॉब्लम नंबर और आंसर आप हमें उसमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसके पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियोज को आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, देन मैं इसका एक इमेज क्लिक कर लेता हूं पहले। ठीक है बेटा, ये आ गया मेरे पास। ठीक, अब आते हैं पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आप प्रॉब्लम जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखें, हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। यानी हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है, x टू दी होल पावर x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हालांकि मैंने एक दिन ऐसे कैजुअली इसके बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर जो फंडामेंटल का मैं दे रहा था तो उसमें आपको बताया हुआ था कि ये चीजें जस्ट मैं वो ट्रीजर रिलीज कर रहा हूँ, ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर रहा हूँ, उस टाइम में मैंने आपको ये बताया हुआ था। आज देखे उसी फिल्म की कहानी में सब चल रही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की यहाँ से जो भी रियल वैल्यूज आएंगी उनका सम आपको बताना है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। आप कोई कहेगा कि सर इस पे प्रॉब्लम्स तो हमारे IIT वगैरह में नहीं पूछते हैं, पहले भी पूछा हुआ था और अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी भी पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज्यादा स्टेप्स भागने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना, ज्यादा स्टेप्स हमें भागने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं 4 मेथड से पढ़ाता हूँ, WW CW, WC और CC। ये WW जो है वो रॉन्ग मेथड रॉन्ग आंसर, करेक्ट मेथड रॉन्ग आंसर, रॉन्ग मेथड करेक्ट आंसर और करेक्ट मेथड करेक्ट आंसर। तो जनरली हम WC भी करके चल लेते हैं। देखिए ये भी प्रॉब्लम्स कैसे WC में आता है। ठीक है, आपका मेथड तो गलत होगा लेकिन आंसर बिल्कुल सही होगा, तब तो हमारे इस तरीके से क्या होता है ना, बच्चे ऑब्जेक्टिव वाले जो है ना आंसर सही टिक करके आते हैं, बट कॉन्सेप्ट उनका गड़बड़ होता है। और जहां अगर डेटा चेंज हो जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ और आंसर भी गड़बड़, इसलिए WW केस होगा। देखते हैं जरा, ये जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहाँ ध्यान रखिए, कभी भी अगर a टू दी पावर x इज इक्वल टू अगर 1 दिया हुआ है तो इसमें ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका बेस हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए।
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइंड करने के लिए कंडीशन दिया गया है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट पे अगर आपको कहानी मिलती है या अगर ए टू द पावर एफ ऑफ एक्स दिया एक्स का फंक्शन है, तो आप देखिए इससे क्या क्या पॉसिबिलिटी जाहिर कर सकते हैं कि सर अगर एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे वन दे देगा। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या करते हैं, यहां से करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे पहला केस लेते हैं, दिस इज द केस वन, ठीक है जी। यहां से सॉल्व करेंगे तो एक को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि x इज इक्वल टू टू लिख देते हैं डायरेक्ट। कैसे भैया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स और x x सर कैंसिल हो गए तो x इज इक्वल टू टू। तो फिर मैं बार बार आपको बोलता हूं कि नहीं रूट लॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट लॉस होने से इसको बचाइए वरना पता चलेगा कि सब कुछ लॉस हो जाएगा, ओके। यहां से क्या करेंगे बेटा, x कॉमन करेंगे एंड देन दिस इक्वल टू जीरो, और देखिए लास्ट क्लास में ये इंप्लाइज गैप वाली कहानी बताया था मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, x की वैल्यू जीरो कॉमन टू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया x इक्वल टू जीरो कॉमन टू। अब जरा ध्यान रखिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बेस हमारा वन हो जाए, अगर ये बेस हमारा वन हो जाए तो वन टू द पावर समथिंग अगर रहे तो कितना दे देगा, वन रहेगा। बात समझिएगा, समझ में आ रही बात, वन टू द पावर समथिंग रहे तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्लियर है, हाँ। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में वन टू द पावर जीरो हमारा जो है ना, अगर टेंस टू रहे तो वो चीजें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारा दूसरा केस यहाँ पे ये भी बन रहा है, क्या भैया कि एक्स की वैल्यू यानी बेस को हम वन भर दें, तो एक्स की वैल्यू वन भर देंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, तो क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछता है जेई मेंस में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है तो देखिए कितने हो गए, एक दो तीन, तो आप तीन वाले पे ऑप्शन लगाएंगे, क्लियर। अच्छा, अब अगर कहते हैं सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आप क्या करेंगे, वन प्लस टू प्लस जीरो, ये क्वेश्चन कर रहा था, ये रियल नंबर है तो ये हमारे इसके पॉसिबल जो सोल्यूशन हुए हैं उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो जीरो प्लस टू प्लस वन तो कितना आ जाएगा बेटा, थ्री हो जाएगा। अब देखें यहाँ डब्ल्यू सी क्या है, अगर सम ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला तो भी थ्री आया, और अगर नंबर ऑफ रियल वैल्यूज अगर बोलेगा तब भी हमारा थ्री आया। तो एक तो ये हो गया, और आप ये जो थ्री लगा रहे हैं चाहे सम ऑफ रियल वैल्यूज के लिए चाहे नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए, ये गलत है, ये गलत है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को। अब मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में चाहे वो लॉगरिथमिक हो या एक्सपोनेंशियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लिनियर इक्वेशन हो या क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या फिर मतलब जो जिस टाइप का भी कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसमें अननोन फंसा हुआ है, ठीक है, तो अननोन की जब वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट तभी कहलाता है जब उस इक्वेशन में रखने के बाद उसको सेटिस्फाई कर ले। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि LHS और RHS दोनों ही बराबर हो जाए वैल्यू रखने के बाद, सेम वैल्यू वही, ठीक है। बात समझ में आई, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जब भी जो जैसे x की वैल्यू आई तो आपका रहे x इक्वल टू जीरो कॉमा टू इसका एक सोल्यूशन है, नहीं कह सकते हैं आप कि ये इसका सोल्यूशन है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये वैल्यू इसमें रख करके देखेंगे और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अरे बात समझ, अब जैसे देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, चेक कीजिए, एक्स की वैल्यू जीरो डालिए तो यहाँ डालेंगे जीरो तो क्या जाएगा, जीरो टू दी पावर जीरो हो जाएगा। तुरंत जब भी जीरो टू दी पावर जीरो का फॉर्म बने इसको मीनिंगलेस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। अगर आप ये फिर भी अप्लाई करते हैं तो मीनिंगलेस बाद में कहेंगे, कैरेक्टरलेस तो पहले आपको बोलेंगे कि इसका कैरेक्टर ही सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जीरो टू दी पावर जीरो जब भी एक्स की जिस वैल्यू पे अगर हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जीरो टू दी पावर जीरो जो है अटेन कर लेता है तो वो मीनिंगलेस होता है, तब जाकर के उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एंड दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आया तो इसी इक्वेशन से है, लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन को बेटा याद कीजिए, हमने आपको हर लेक्चर में लगभग लगभग चिल्ला चिल्ला बोल रहे हैं, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ जाता है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आ जाता है, यही होता है एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन का कांसेप्ट। क्लियर हो गया बस। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए, तो ये तो छोड़ दिया हमने, अब यहाँ क्या करेंगे, टू डालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, चेक कीजिए LHS में रखकर टू, और यहाँ क्या टू टू या फोर और माइनस फोर जीरो हो जाएगा बराबर वन। तो क्या गया, टू टू दी पावर जीरो वन, वन इक्वल टू वन, यानी सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हम कहेंगे x इक्वल टू टू हमारा इसका एक रियल सोल्यूशन होगा। क्लियर। दूसरा देखिए, x इक्वल टू वन, वन डालेंगे, वन स्क्वायर माइनस टू, यानी हमारा हो जाएगा वन टू दी पावर माइनस वन, यानी वही वन रहेगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया।
तो अब आप बताइए टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इसके कितने हो गए, दो। वो कौन कौन है, वो है x इक्वल टू 1.2, ये है, समझ में आ गई बात। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, यानी इसके जितने भी सॉल्यूशन है उनका सम, तो कितना आ जाएगा इनका सम, 3। तो अब बताइए आपका आंसर क्या आया, 3। और जब आपने 0 का एक्सक्लूड नहीं किया हुआ था तब भी इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या था, 0 + 2 + 1 कितना आया था, 3। तो अब बताइए डब्ल्यू सी हुआ या नहीं हुआ, मेथड तो अगर रॉन्ग है लेकिन आंसर क्या आपका करेक्ट है। अरे बात समझ में, यानी कॉन्सेप्ट गलत है और आंसर आपका सही है, तो ये कब तक काम आएगा है? अरे बात समझ में, कॉन्सेप्ट अगर आपका फंडामेंटली अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको जो है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो रही बात, ये चीज ध्यान में रखिए। तो यहाँ 0 + 2 + 1 3 हो गया और 2 + 1 भी 3 होगा, बट ये 2 + 1 वाली कहानी सत्य है, सही है बिल्कुल, लेकिन अगर 0 + 2 + 1 वाली कहेंगे तो ये हमारा गलत होगा। तो ये एक प्रॉब्लम था, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे आप इसको सिस्टमेटिक सजा करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं केस 1 व्हेन एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 0 ऐसे करके जो भी, ठीक है। अब मैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा दूसरा प्रॉब्लम था, जहां तक मुझे याद है, एक्स के लिए सॉल्व करना था, एक्स के लिए सॉल्व करना था। आपको मैं पहले थ्योरी नहीं बता रहा हूं, इसमें थ्योरी मैं पहले बताई नहीं रहा हूं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स करके और थ्योरी सिखाई जाती है ना प्रॉब्लम के दौरान, यानी प्रॉब्लम से होते हुए, ठीक है, कहते हैं ना थ्योरी थ्रू प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स के थ्रू जो आपको थ्योरी मिलेगा ना उसमें देखिए कितना कॉन्सेप्ट का मजा आता है, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम था, मॉड एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1, इसको भी सॉल्व करना था। अब हम क्या करेंगे बेटा, फटाफट केस 1 लेंगे, केस 1 में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0.2, एंड देन अब इतने तो एबल हो गए हैं आप, ये सोच सकते हैं x की वैल्यू 0 डालेंगे, ये तुरंत 0 to the power 0 कैरेक्टरलेस रूप ले लेगा, और सॉरी मीनिंगलेस रूप ले लेगा। अरे बात समझ में, मजाक किया हूँ भाई, इतने दिल पे नहीं लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं बहुत बार पढ़ाते दौरान में कभी कभी ऐसे थोड़ी मोड़ी उल्टा डिजिट्स या कुछ ऐसे बोल देता हूँ, आपको महसूस भी नहीं होगा, हाँ लेकिन बाद में फिर सुधार कर लेता हूँ, और जहां अगर हो ही जाती है गलती अपने से तो मैं तुरंत सॉरी भी बोल देता हूँ, ठीक है। खैर तो एक्स की वैल्यू 0 जैसे डालेंगे ये हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, तो एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, क्लियर है बेटा, ओरिजिनल इक्वेशन, इसलिए क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 हमारा इसका केस 1 के लिए सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम केस 2 के लिए इसका देखते हैं, केस 2 में क्या हो सकता है बेटा, और सोचो कि क्या हम करेंगे कि ये हमारा 1 हो सकता है, अगर हमारा बेस इक्वल टू अगर 1 डाल दें तो हमारा हो जाएगा 1 to the power समथिंग इज इक्वल टू 1, बट जो सोल्यूशन आएगा उसको रख के चेक करेंगे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का गलत कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बच्चे एक्स को 1 भरते हैं, एक्स को 1 नहीं भरना है, मैं क्या बोला पूरी बेस को 1 भरा जाता है, इसके भी फायदा नजर आएंगे आपको, जब आगे मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे आपको इसका फायदा नजर आएगा कि सर के कहने का मतलब क्या है कि बेस भरना है या सिर्फ एक्स की वैल्यू 1 भरनी है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्स की वैल्यू 1 भरनी है, आप समझिए मेरी बात को, एकदम बोला तो मेरा चैनल उसी के लिए जाना ही जाता है, मैंने इसीलिए बनाया कि मैं फंडामेंटली एकदम बताता हूँ। अरे बड़े प्रॉब्लम्स तो बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज करा लेती हैं, है ना, कि भैया ये ठीक है भैया, हम कोई इतनी बड़ी फैकल्टी और ब्रांडिंग और ट्रेंडिंग ऐसा फैकल्टी नहीं हूँ और नहीं बनने का ऐसा शौक है, ठीक है। क्योंकि अगर फंडामेंटली अगर बताऊंगा बच्चों को और बच्चों का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो जब बुनियाद बच्चे की बन जाती है तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो है ना ज्यादा समय नहीं लगता और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, इसलिए मैं आपको बुनियादी चीज बता रहा हूँ। और ये ऐसा ही नहीं है कि आपको पांचवी छठी क्लास वाली बात है, आपको अभी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, उन 7 प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ऐसा भी है जो जेई मेंस 2016 में पूछा हुआ सवाल है, अब क्या चाहिए इससे रिसेंट और क्या चाहिए, 3 साल पहले का है, क्योंकि 2019 में तो हम लोग पेपर फाइनल दिए हुए, 2020 वाली तो अभी कहानी अलग चल रही है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है, फेंकने का काम मेरे पास कम, काम करने का काम ज्यादा, ये चीज थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा, मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहता हूँ, अभी जस्ट स्टार्टिंग है इसलिए अभी ज्यादा नहीं खोल रहा, बट धीरे धीरे आप भी देखोगे, ठीक है। खैर तो यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड x इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, मॉड प्लस का भी कॉन्सेप्ट आएगा, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो
वन, माइनस वन डालेंगे तो वन। अब जरा इसको रख करके देखिए क्या ये सही है या नहीं है। तो x की वैल्यू अगर वन डालेंगे तो ये वन हो जाएगा, लिखा जब वन माइनस टू हो जाएगा, ये वन माइनस टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस वन, यानी सेटिस्फाई कर गया। x की वैल्यू माइनस वन डालिए तो माइनस वन का मॉड क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन इक्वल टू वन है, क्या हो जाएगा वन टू दी होल पावर, ये क्या जाएगा वन प्लस टू इज इक्वल टू वन। तो आ जाओ बेटा वन इज इक्वल टू वन, यानी हम सेटिस्फाई कर दिए, सेटिस्फाई हो गए हम, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई है टू, और एक क्या रही है प्लस वन, और एक क्या रही है माइनस वन, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया माइनस वन वन कॉमा टू, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में भी कहता द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, तो क्या आ जाता है आंसर आता है टू प्लस वन माइनस वन, कितना हो जाता है टू हो जाता है आंसर इसका। लेकिन जिसका यहां जीरो भी इंक्लूड हुआ है, जीरो भी जिसका यहां इंक्लूड हुआ है, तो उसका भी सम ऑफ रियल वैल्यूज वाले में आंसर क्या आता है जीरो प्लस टू प्लस वन प्लस माइनस वन, क्या आ जाता है उसका भी आंसर टू ही आता है, आपका भी आंसर टू आ रहा है। लेकिन अब मैं अगर इस तरह के सॉल्व करने वाले बच्चों से बोलूं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्वेश्चन देखिए कैसे ट्विस्ट करता है। आईआईटी का काम यही होता है, सिर्फ वो ये दी गई क्वेश्चन के स्टेटमेंट में या क्वेश्चन के जो पूछ मैं बोलता हूँ यानी कॉमा लगा के जो कंडीशन दिया जाता है उसी से सारी क्वेश्चन जो है ना लगभग 50% क्वेश्चन तो उसी से बदल जाती है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना है इसका, एक दो तीन, और जब ये लिए हुए रहते तो क्या रहता है एक दो तीन चार, तो दोनों ऑप्शन में रहते हैं थ्री भी रहेगा फोर भी रहेगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर फोर लगा दिए तो यहां तक सारा आपका किया गया पानी फिर गया, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम हुआ, अब देखते हैं बेटा तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अभी देखिए अभी इतनी ही कंडीशन नहीं है, अभी आपको पता चलेगा थोड़ा देर बाद दुनिया दिखाई देगी कि अच्छा सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। अब देखिए अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मैंने अभी इमेज क्लिक किया उसके बेसिस पे। हाँ अब मेरे पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन टू दी होल पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, ठीक है ये। अब देखते हैं इसके लिए क्या कहानी था बेटा, समझ रहे हैं ये क्या कहानी देगा। कंफर्म पहला किसका देगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस वन। इसमें मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, क्यों भैया, क्योंकि मैंने दो प्रॉब्लम इसके पहले आपको करा दिया, जब मैं आरएचएस में हुआ ना तो आपको कहानी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये चीज हमने कर दिया x इक्वल टू प्लस माइनस वन कर दिया। अच्छा बताओ यहाँ रख करके चेक करते हैं, वन रखेंगे तो क्या जाएगा वन, और ये जाएगा माइनस वन, और ये माइनस वन, अरे बात समझे कैंसिल हो गया माइनस वन हो गया, तो दीवार पर क्या जाएगा वन रखेंगे जीरो हो जाएगा वन, सेटिस्फाई कर गया। अब माइनस वन रखेंगे यहाँ क्या जाएगा माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, सेटिस्फाई कर गया, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस वन इसका सोल्यूशन होगा ही होगा। नहीं समझ में आ रही है पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन यानी दूसरा केस लेकर के चले। अच्छा एक बात बताओ दूसरे केस में काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन कर दे, बात समझ में आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना कर दे वन कर दे। अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है, अरे बात समझ, जब कुछ ना समझ में तो सीधी धाराचार्य भी लगा सकते हैं, वही माइनस में प्लस माइनस अंडर रूट, और यहां से मेरा हो जाएगा देन इसका अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा फैक्टर x प्लस वन एंड एक बन जाएगा फैक्टर x माइनस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स, क्लियर है। और यहां से क्या हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू हो जाएगा। अब जरा देखते हैं x इक्वल टू माइनस वन जब भरेंगे तो ये क्या जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा जीरो बन जाएगा, अरे बात समझ में, तो कितना हो जाएगा सेटिस्फाई कर गया भाई, ठीक है। अब जब जरा टू भरेंगे तो टू भरेंगे क्या जाएगा फोर माइनस वन, और ये बेस क्या जाएगा टू भरने के बाद फोर माइनस टू 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 माइनस वन वन हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा वन टू दी होल पावर में क्या बन जाएगा थ्री बराबर वन, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो हम क्या देखें कि ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस वन कॉमा टू भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां मैं एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट ये है कि यहां हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये चीज ध्यान में नहीं रखते हैं कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अगर हमारा माइनस वन हो जाए, यानी कि बेस इक्वल टू माइनस वन हो जाए, ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारा इवन नंबर हो जाए तब भी तो हमारा वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी वन हो जाएगी, अरे बात समझ, यानी आज के बाद आप एक और बात ध्यान रखेंगे माइनस वन टू दी पावर टू के हो जाए,
ठीक है, यानी इवन नंबर पावर हो जाए तो हमारे क्या हो जाएगा ये इक्वल टू वन देगा ये भी, ठीक है। तो देखते हैं यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा या खत्म कर दो इसको, जीरो कर दो तो क्या बन जाएगा बेटा एक्स इक्वल टू जीरो कॉमा वन। अब सोल्यूशन तभी कहा जाएगा जब ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एक्स की वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा ध्यान देना इसको, बेस में हमारा माइनस वन बन जाएगा और जब यहाँ जीरो डालेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू वन। अब जरा एक बात बताओ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन इज इक्वल टू वन। क्या ये सेटिस्फाई किया एक्स इक्वल टू जीरो, नहीं किया, इसलिए बोलेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो नहीं करेगा क्योंकि ये रिजल्ट गलत है, माइनस वन वन के इक्वल नहीं होगा, क्लियर हो गया। तो ये हमारा x इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब चलिए x इक्वल टू वन रखते हैं, यहां वन रखेगा तो वन और माइनस वन जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस वन, और यहां वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस वन टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, यानी ये सेटिस्फाई कर गया माइनस वन टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा, वन इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर गया। तो अब एक बात बताइए और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, बट मैं आपको आगे चल करके एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी उसकी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात बता रहा हूं, ये चीजें ध्यान में रखनी होंगी, अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ इक्वल टू वन है, ठीक है। आगे चलकर हमारा प्रॉब्लम जब चेंज होगा तो देखना, यहाँ बेस में भी वेरिएबल है और इधर बेस में कॉन्स्टेंट नहीं, बेस में इधर भी वेरिएबल है, तो वहां पे एक और फॉर्मेट लेगा एंड दैट फॉर्मेट इज नोन एज जीरो टू द पावर, तो ये चीज यानी इसको जीरो भी भरना होता है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन चार कंडीशन होते हैं, ठीक है। अगर बेस में वेरिएबल्स है दोनों तरफ, सेम बेस है तो कैसे होगा, कॉन्स्टेंट है वन है तो कैसे होगा। तो देखिए इसमें सबके लिए महज तो एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ एक्सपोनेंट जीरो हो जाएगा इस बेस का, तो वैल्यू हमारी वन हो जाएगी, लेकिन एक्स की वो वैल्यू कतई नहीं लेंगे जो जीरो टू द पावर जीरो का मीनिंगलेस फॉर्म बनाता हो। आगे बात समझ में, फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर बेस हमारा इक्वल टू वन हो जाए तो वन टू द पावर समथिंग इज इक्वल टू वन रहेगा, ये भी चीज ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ये मैंने बताया कि बेस अगर हमारा माइनस वन हो जाए और एक्सपोनेंट में अगर इवन नंबर हो जाए तब भी ये मेरा वन रहेगा, लेकिन जब अगर दोनों तरफ बेस में वेरिएबल रहे और बेस अगर आप माइनस वन भर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि पावर इवन ही हो, पावर ऑड भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन दोनों तरफ वो चीज हमारी होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही बात, आगे हम प्रॉब्लम कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चौथा पॉइंट मैं ये बताया कि बेस में अगर जीरो हो जाए तब भी जीरो टू द पावर समथिंग जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ पावर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ बेस वेरिएबल है तभी, तो ये जितने पॉसिबल केसेस होते हैं ना ये सारे लिए जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम देख करके हमने तुरंत नहीं कर सकते अरे ये क्या प्रॉब्लम दिया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन कॉमा टू और एक्स इज इक्वल टू वन। तो हमने ये देखा कि वन एक बार लिखा है या चार बार लिखा है, काउंट तो एक ही बार होगा, फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन और टू, तो फाइनल सॉल्यूशन बेटा मेरा हो जाएगा माइनस वन कॉमा वन कॉमा टू, यही हो रहा है, वन हो गया माइनस वन हो गया टू हो गया प्लस माइनस वन, क्लियर, ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम, देखिए अब जो मैं प्रॉब्लम करा रहा हूं वो देख लेते हैं कितने नंबर पे है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, एक्चुअली मुझे याद तो है नहीं प्रॉब्लम, इसलिए मैंने इमेज क्लिक कर लिया है। प्रॉब्लम हमारा पांच नंबर है और चार नंबर, तो देखिए मैं पहले पांचवी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, उसके बाद चौथी प्रॉब्लम फिर सॉल्व करूंगा, उसके बाद आप जो है छठी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा एंड सातवीं प्रॉब्लम तब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिक्स नंबर प्रॉब्लम जो है वो दोनों छह नंबर की तरह ही है, वो बेस में वेरिएबल है, क्लियर हो गई बात, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। पांचवी नंबर प्रॉब्लम देखते हैं जरा, पांचवी नंबर में द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सारी रियल वैल्यूज का सम बताना है और हमारा इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव टू द होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटी इज इक्वल टू वन। इसमें एक्स की रियल वैल्यूज की सम बतानी है, ठीक है। देखो बेटा यहां ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन पूछा है आईआईटी जेईई मेंस में 2016 में, रिसेंटली क्वेश्चन है, तीन चार साल पहले का क्वेश्चन रिसेंटली ही होता है, पिछले पांच या आठ सालों का क्वेश्चन रिसेंटली ही माना जाता है, ठीक है। चलो बेटा तो शुरू हो जाते हैं, चल जाओ शुरू हो जाए, ये चीज ध्यान रखना स्टेप्स ना
स्किप कर रहे हैं, वरना कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैं छोटी सी आपको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आपको एक छोटा सा एक जोक सुना देता हूँ, एक कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ था इसलिए बता रहा हूँ कि एक बच्चा जो है एक बहुत ही कंजूस परिवार था, एक बहुत ही कंजूस परिवार था। तो एक बच्चा जो है जब चप्पल पहने हुआ था तो उसके घर वाले बोलते थे कि चप्पल पहन करके ज्यादा ना चला करो, ठीक है, क्यों, क्योंकि चप्पल घिस जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा जो है ना वो सीढ़ी चढ़ रहा था, पैजामा पहना हुआ था, सीढ़ी चढ़ रहा था, ठीक है। तो हुआ ये कि चप्पल ना घिसे, चप्पल ना घिसने के चक्कर में उसने क्या किया, एक के बजाय तीन तीन स्टेप जो है चढ़ने लगा, बात समझना मेरी, एक के बजाय उसने तीन स्टेप चार स्टेप चढ़ने लगा। तो पता चला कि चप्पल ना घिसने के चक्कर में उसकी पैजामा फट गई है ना, तो फिर उसके पापा ने कूटा अलग, मम्मी तो बेजोड़ कूटी, क्योंकि आपको आप सभी को भी मम्मी का प्यार बहुत मिला होगा बचपन में, और मुझे भी मिला है, मुझे तो पापा का प्यार मुझे बचपन में बहुत मिला है, मतलब डंडे और हाथ से तो बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था सिर्फ, है ना, कि आप जो है आंसर लाने के चक्कर में, है ना, या फाइनल रिजल्ट या फाइनल कंक्लूजन के चक्कर में स्टेप्स ज्यादा जो है ना स्किप ना करना, वरना पता चलेगा कि चप्पल ना घिसे यानी कंक्लूजन आ जाए, और पता चलेगा कंक्लूजन कुछ और ही आ गया, यानी स्टेप्स फाड़ने के चक्कर में पैजामा फट गई, यानी आपकी कॉन्सेप्ट पूरी फट गई। तो ये चीज जरा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद वहां मम्मी पापा ठुकाई किए हैं, और यहाँ जो है आपकी लाइफ जो है ठुकाई कर देगी आपकी, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एंड दिल में नहीं लेना, जस्ट लाइक जोक था, है ना, बट मोटिवेशन भी था यहाँ पे, देखते हैं, चलो शुरू हो जाते हैं, कम टू द पॉइंट, केस वन में हम शुरू करते हैं। अच्छा बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, केस वन हमारा क्या था, जब हमारा एक्सपोनेंट बराबर जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट जीरो हो जाएगा तो बेस की पावर जीरो हमारा वन हो जाएगा, फटाफट। अब कहा शुरू में बहुत स्लोली स्लोली समझा देना, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, अब इसको जरा तोड़ दो, तोड़ करके देखो क्या जाएगा, ये कितना देगा, सीधी धारा चार भी हम चाहे तो लगा सकते हैं, क्या जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी अपॉन टू ए, ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो ये क्या कहते हैं इसका फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा प्लस टेन एक्स और माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटी इधर बताओ प्लस चार आ गया, ठीक है, यही सुटेबल लग रहा है क्योंकि वहां स्क्वायरिंग करने ज्यादा दिक्कत लग रही है ना, मल्टीप्लाई करके फिर रूट निकालना, ठीक है। ये क्या जाएगा बेटा, मेरा देखो x कॉमन करो, x प्लस टेन हो जाएगा, माइनस सिक्स कॉमन करो क्या जाएगा, x प्लस टेन हो जाएगा इक्वल टू जीरो, कितना दे देगा x माइनस सिक्स इंटू x प्लस टेन इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू सिक्स कॉमा माइनस टेन, यानी आपका क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई सिक्स माइनस टेन, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये तभी ना सोल्यूशन कहलाएगा जब इसमें रखने पे इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए ये तो कंफर्म हो गया, एक्स की वैल्यू सिक्स रखें या माइनस टेन रखें, सॉरी यहाँ पे ये जीरो दे देगा, जब ये जीरो देगा तो यहाँ रख करके देख लेते हैं, सिक्स रखेंगे थर्टी सिक्स हो जाएगा, थर्टी सिक्स प्लस फाइव फोर्टी वन हो जाएगा, और ये थर्टी यानी बेस हमारा जीरो नहीं हुआ, माइनस टेन रखेंगे हंड्रेड हो जाएगा एक सौ पांच, और ये यानी बेस जीरो नहीं होगा, यानी छह और माइनस दस पे हमारा बेस जीरो नहीं हो रहा है और एक्सपोनेंट जीरो है, तो ये वैल्यू टोटली सेटिस्फाई कर जाएगी, इक्वल टू वन हो जाएगी, क्लियर है। तो ये केस वन था, अब जरा सा हम केस टू देखते हैं, केस टू में मेरा मैंने क्या बताया था, क्या था हमारा केस टू क्या था मेरा, कि बेस इक्वल टू वन हो जाए, बेस ये बेस इक्वल टू वन हो जाए, क्योंकि एक बार ये कहा गया था कि बेबी को बेस पसंद है, ऐसा नहीं कि बेबी को ही बेस पसंद है, भैया हम मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको बेस बहुत पहले से पसंद है, क्योंकि ये सलमान खान वाली बेस तो बहुत बाद में आई है, हमारी बेस बहुत पहले से है, यानी हम लोगों की कास्ट की जो मैथमेटिकल ग्रुप है ना उनकी बेस बहुत पहले से, इसलिए हम लोगों को बेस बहुत पहले से ही पसंद है, ठीक है, बेबी को नहीं बाबू को भी बेस पसंद है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। खैर व्हाटएवर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, वन अगर कर दे, अगर हमने जैसे इसको वन कर दिया तो वन टू पावर समथिंग इज इक्वल टू वन होगा, लेकिन इस समथिंग में जीरो नहीं आना चाहिए, ध्यान दिया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और ये क्या जाएगा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, बाई फैक्टराइजेशन क्या जाएगा चार हो जाएगा, तो ये मेरा कितना जाएगा बेटा
माइनस और ये जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये क्या बन गया बेटा x कॉमन करो x माइनस फोर हो जाएगा, माइनस वन कॉमन करो x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, देन x माइनस वन इंटू x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू वन कॉमा फोर। मेरा तो आ गया, क्या आपका आया? एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। अब इससे तोड़ करके इससे छोटा स्टेप हमें नहीं लगता है कि कोई ये बताएगा, थोड़ा आपको लग रहा होगा कि फास्ट पढ़ा है। अरे एक बात बताओ, आईआरटी का भी जो है क्वेश्चन भाई, ये भी तो ध्यान देना है। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय ये लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन के लिए मात्र आपको दो मिनट समय मिलता है, उसमें क्वेश्चन पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है, कैलकुलेशन भी कर लेना है और ऑप्शन भी लगा लेना है, ठीक है? तो थोड़ा सा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना ये चीजें। हाँ, बेसिक की जान जरूरत आती है वहां, एकदम आराम आराम से मैं बताता हूँ, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम करते करते हम लोग स्टेप्स अपना बढ़ाते जाते हैं। तो थोड़ी स्पीड देखो बेटा, याद रखना स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू रिजल्ट होगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू रिजल्ट होगा। स्पीड हो एक्यूरेसी ना हो तब भी रिजल्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी है और पता चले कि 75 क्वेश्चन में मैंने 20 क्वेश्चन करके आए तब भी नहीं हो पाएगा। अरे 75 में 75 करके आया, पता चले वाओ क्या बात है, मैंने तो -75 लेकर के आया, फिर पता चला घर वाले जो है ना, फिर वो चप्पल घिसेगी ना, चप्पल टूटेगी ना, किस पे टूटेगी ये बेशक समझ सकते हैं, ठीक है? तो है ये हमारा होगा x = 1, x = 1.4, स्पेस नहीं बैठा इसलिए मैंने बिठा दिया उसको, ठीक है? वन भरो, चलो यहाँ वन भरेंगे तो क्या जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेस 4 डालेंगे तब भी तो बेस हमारा 1 रहेगा, क्यों? क्योंकि बेस हमने 1 भरा हुआ है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जरा देखो x की वैल्यू 1 डालो तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, बस समझ गए? तो ये जो भी आएगा ये 1 की पावर में नॉन जीरो नंबर आ रहा है तो हमारा ये सेटिस्फाई कर गया x = 1। 4 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, अरे बस समझ गए, और यह कहते 16 हो जाएगा तब भी ये सेटिस्फाई कर गया। तो बताइए क्या 1 और 4 इसका सोल्यूशन हुआ? तो हाँ हुआ। क्या हमारा 6 और -10 इसका सोल्यूशन हुआ? तो हाँ हुआ। अब देखते हैं जरा तीसरा केस, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना एक्सपोनेंट जीरो करके ये आंसर ला करके चल देते हैं, ठीक है? इसको जब हम जोड़ेंगे तो 6 और -10, 6 - 10 हमें कितना जाएगा -4 हो जाएगा। देख लेता हूँ ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या है देखिए, 6 और -10 करने में क्या है -4, ऑप्शन ए में ही दिया है -4। मैंने बोला हूँ, मैं बहुत पहले से बोलते रहा कि गलत ऑप्शन जो है पहले ही दिया हुआ रहेगा, तो हमारे कहते हैं -4 यहाँ लगा के चलेंगे जो कि गलत है। अब जरा से ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है? केस थर्ड देखो, तो केस थर्ड में क्या था बेटा, क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन ही है, ठीक है? केस थर्ड में क्या है, सॉरी केस थर्ड में हमारा हो जाएगा -5x + 5 = -1 भर देते हैं। जब अगर -5x + 5 = -1 भर देंगे तो -1 की पावर में जो है इवन नंबर हो जाए तब भी वैल्यू हमारी 1 रहेगी, क्लियर हो गई बात? यानी यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x² - 5x ये क्या बनेगा, +6 = 0, क्या बन जाएगा बेटा x² - 3x - 2x + 6 = 0, यहाँ क्या बन जाएगा बेटा x = -3 - 2 - x - 3 = 0, देन x = क्या बन जाएगा बेटा, 1 तो आ जाएगा 2 और 1 आ जाएगा 3, 2 और 3। जरा ध्यान देना, यहाँ सोचने वाली बात है, x की वैल्यू जब आप 2 लेंगे तो बेस हमारा क्या बन जाएगा -1, और x वैल्यू 3 लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा -1, दोनों हालात में बेस -1 हो रहा है क्योंकि उसी से आया हुआ है। अब जरा देखते हैं, जब यहाँ भरेंगे 2 तो क्या जाएगा 2 2 4 और ये 8, कितना हो जाएगा 12 12 - 16, जो भी आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब -1 की पावर इवन नंबर -48 आ रहा है -1, तो क्या हो गया, सेटिस्फाई किया कि नहीं बेटा? हाँ कर गया। तो सर x = 2 इसका सोल्यूशन कहलाएगा। देखिए कितनी मतलब कैसे आप रूट छोड़ चुके थे, लॉस हो चुका था रूट, ठीक है? 3 देखते हैं, 3 रखेंगे 9 हो जाएगा और एक हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ जाए बात है इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, तो हमारा ऑड नंबर रहेगा, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा -1 की पावर ऑड में आ जाएगा -1। निगेटिव नंबर का पावर में ऑड रहे चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा ज्यादा एक्सपोनेंट में माइनस होने की वजह से 1/4 में चला जाएगा, क्लियर? तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस की क्वांटिटी आ जाएगी इधर और इधर प्लस वाली क्वांटिटी आ जाएगी। क्या ये सेटिस्फाई किया? नहीं किया। तो x = 3 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है? और देखिए बेस 0 भरने वाली जो बात बोला था कि सर इसको 0 भर देते, 0 की पावर समथिंग रहेगा वो 0 हो जाएगा,
यहाँ बेस में वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट है और वो वन है, तो वो तो खैर कहानी लेंगे ही नहीं यहाँ पे। तो आप देख करके बताएं फ्रॉम केस वन केस टू एंड केस थ्री फाइनल सोल्यूशन क्या है। तो एक आ गया सिक्स, एक आ गया माइनस टेन, एक आ गया वन, एक आ गया फोर और एक आ गया टू। टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? पांच। और अगर सम ऑफ द सोल्यूशन पूछता तो कितना जाता है? कितना आ गया? छह। ये माइनस चार हो जाता, प्लस चार के साथ कैंसिल हो गया, आंसर आएगा थ्री। थ्री कहाँ है ऑप्शन में जरा देखते हैं, थ्री कहाँ गया जी? ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर फोर पे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर ये समझ में आ गई बात, यानी जब बेस हम माइनस वन लेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी एक्स की वो वैल्यू रख करके सेटिस्फाई कराएंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वही लेंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो कतई नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो मैं इसके बाद एक और आपको प्रॉब्लम में बता रहा हूं, वो है प्रॉब्लम नंबर फोर। प्रॉब्लम नंबर फोर, ठीक है, देखिए चौथी प्रॉब्लम। इसमें कह रहा है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस इलेवन, और यहां जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। पहले आप इसको अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करना है, इसको आप पहले प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, देखें आपका क्या है, फिर उसके बाद हम लोग मैच कराते हैं। केस वन, चलिए मैं आपको क्लू दे दे रहा हूँ, सिर्फ क्लू दे दे रहा हूँ। केस वन में क्या करोगे बेटा, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू जीरो भर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फोर्टी टू इज इक्वल टू जीरो, भर के निकाल लो, देख लो क्या रहा है। चलो केस टू, केस टू में बेटा क्या ले लो, जब बेस इक्वल टू वन हो जाए। अच्छा देखो, कुछ बच्चों को बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो x की जगह 1 भरना शुरू कर देते हैं। अबे घोंचू, x की जगह 1 नहीं भरना है, या x की जगह माइनस 1 भरते हैं, वो नहीं भरते हैं। बेटा कहां हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, पूरी बेस हटा करके भरना है, पूरी बेस, तभी तो x की वैल्यू फाइंड आउट होगी ना, ये चीज ध्यान में रखिए आप, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू वन भर देंगे, यानी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो हो गया। और इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, और मेरे पास तीसरा केस भी हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, तीसरा केस जब हमारा बेस हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस इलेवन इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए। जब ये माइनस वन हो जाएगा तो एक्सपोनेंट में चाहे कोई भी इवन नंबर आ जाए वो टोटल वैल्यू हमारी प्लस वन रहेगी। चलिए जरा इसका आप प्रैक्टिस करें, इसको चलिए इसको हमने ये करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इससे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करें, इससे सॉल्व करें, देखिए आपका क्या रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसके बाद आप वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके आप चाहें तो इसको सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो आई होप आप कर चुके होंगे, ठीक है, देखते हैं अब ज्यादा मुझे संख्या मिला है, मैच कराए, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, फोर्टी टू का, तो फोर्टी टू को तोड़िए, कितना जाएगा, सिक्स सेवन जो फोर्टी टू, और ये तेरह कितना जाएगा, एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा एंड एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये क्लियर हो गई बात, यानी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सिक्स कॉमा सेवन। ये सोल्यूशन तभी का जाएगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। एक बार बताइए आप, जब हम इसको एक्स इक्वल टू सिक्स रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट तो हमारा जीरो हो जाएगा, और यहाँ सिक्स रखेंगे क्या जाएगा, थर्टी सिक्स, और ये क्या जाएगा, फोर्टी टू, और ये 36, 37, 47, ठीक है, बेस हमारा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, क्लियर है। फिर हम देखेंगे 49 हो जाएगा, ये 49, यानी बेस तब भी जीरो नहीं होगा, तो ये दोनों ही हमारे सोल्यूशन कहलाएंगे, क्लियर हो गई बात। यहाँ देखिए 11 है, 11 है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया, कितना जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ये हो जाएगा x माइनस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू टू कॉमा फाइव हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू कॉमा फाइव। अब यार देखिए x की वैल्यू अगर हम टू भरे या फाइव भरे, ये हमारा बेस हमारा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब हमारा बेस वन हो जाएगा तो ये चीज ज्यादा ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू जब टू रखेंगे फोर हो जाएगा, और ये फोर्टी सिक्स हो जाएगा, इस और ये कितना हो जाएगा थर्टी, यानी थर्टी टू, थर्टी ट्वेंटी सिक्स हो जाएगा, सॉरी
तो हमारा हो जाएगा वन, तो हो जाएगा सेटिस्फाई कर गया। फिर यहाँ हम फाइव भर के देखेंगे, वो भी सेटिस्फाई कर गया, यानी टू और फाइव दोनों ही हमारा इसका सोल्यूशन होगा। नहीं समझ में आई बात? जब एक्स की वैल्यू आप टू लेंगे तो बेस तो हमारा वन हो गया, हमें सिर्फ ये देखना है कि वन की पावर क्या आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम देख लिए कि ठीक है भैया, वन की पावर जो है ना, ये टू और फाइव रखने पे फाइनल कैलकुलेशन करने पे वन ही आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सोल्यूशन हो गया। अब जरा यहां देखते हैं, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट केस है, ये वाला जो केस बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहां से निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये चार तीन बारह, यानी हो जाएगा x माइनस थ्री और ये हो जाएगा x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान देना, देखो क्वाड्रेटिक के लिए मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं डायरेक्टली समझ लो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और एक कॉन्स्टेंट नंबर का जो साइन है, दोनों का साइन सेम है और इसका साइन अपोजिट है, तो मस्ट है कि दोनों रूट पॉजिटिव मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि जब हमारा लीडिंग कोफिशियंट जो भी है, एक्स स्क्वायर का साइन और इसका साइन दोनों सेम है, और ये जो बी वाला टर्म है उसका अगर साइन अपोजिट है, तो हमारा दोनों का दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा पॉजिटिव मिलेगा, दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे, यानी सेम साइन मिलेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। खैर अब जरा ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स इक्व टू थ्री कॉमा फोर, ये सोल्यूशन तभी होगा जब इसमें रखने के बाद ये एक्सपोनेंट हमारा इवन हो जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है, हम बार बार करें कि और भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो बेस वेरिएबल है, उसके हिसाब से देखेंगे ना, ठीक है। यहाँ जब बेस हमारा कॉन्स्टेंट है और पॉजिटिव है और वन है, तो हम क्या करेंगे, पावर में वन देखेंगे एक्सपोनेंट में, ठीक है। चलिए थ्री रखते हैं, क्या जाएगा बेटा, नाइन माइनस थर्टी नाइन प्लस फोर्टी टू हो जाएगा। यहाँ क्या देखें, फिफ्टी वन और माइनस थर्टी नाइन, ओ यानी कि ये तो मेरा इवन आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ फोर रखते हैं, क्या जाएगा, सिक्सटीन और ये क्या हो जाएगा, फिफ्टी टू और प्लस फोर्टी टू, ये हो गया फिफ्टी एट हो गया माइनस सिक्स, ये भी हमारा क्या आ गया, इवन आ गया, सम संख्या आ गई। जब इवन आ गया तो हमारा क्या जाएगा, माइनस वन की पावर इवन, इसके वजह से भी आया, माइनस वन की पावर इवन इसके वजह से भी आया, तो यहाँ पे दोनों का दोनों x का वैल्यू जो है वो यहाँ सेटिस्फाई कर गया, इसलिए इन दोनों को भी लेंगे हम। तो ये मास्टर कोर्स में जरा ध्यान रखिएगा। तो फाइनल हमारा सोल्यूशन क्या जाएगा बेटा, x इज इक्व टू छ सात दो पांच तीन चार, यानी थोड़ा सा सजा कर लेंगे तो दो तीन चार पांच छ सात, कितना मस्त आ रहा है ना, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक है। एंड वन मोर आपको लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल से रिलेटेड अभी मैं जस्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ, देन सात क्वेश्चन में छह क्वेश्चन हो गए, और आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क रहेगा, क्योंकि क्या वो बेसिक बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, वो भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल का रहेगा, हालांकि इतना भी बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, कहने का सेंस इतना कुछ जान जाने के बाद आपको बच्चा वाला लगेगा, वरना पता चलेगा कि वो आपको बच्चा बना देगा, बच्चों इसको बच्चा में ना लियो, ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारा वो कंडीशन, वो वाली क्वेश्चन, हाँ। हाँ तो बेटा जी आपका क्वेश्चन क्या था, वो आपका क्वेश्चन था एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू टू द होल और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्व टू एक्स माइनस टू टू द होल पर ट्वेल्व, यहां ध्यान दीजिए अब, ठीक है। चलिए अब देखिए, चलो शुरू हो जाओ, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व, यहां समझना है, यहां जीरो नहीं भरेंगे इसको, क्यों, क्योंकि जीरो आप पुट क्यों करेंगे, जीरो पुट करते ही वन हो जाएगा, यहां क्या है बेस सेम है एक्सपोनेंट अलग है, तो हमें ये चीज देखना है ना कि ये दोनों वैल्यूज आपस में तब बराबर होंगी जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट इक्वल हो, क्लियर हो गई बात, ये चीज ध्यान रखिए। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, इसको एक सॉल्व कर ले। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी कहानी क्या हो सकती है कि अगर हमारा एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन हो जाए, तो अगर ये वैल्यू वन हो जाएगी तो इसको भी सॉल्व करके लाएंगे और ला करके चेक करेंगे क्या होगा मेरा, ठीक है। तीसरी हमारी केस क्या हो जाएगी कि जब एक्स माइनस टू इज इक्व टू माइनस वन हो जाए, अब जरा ध्यान रखना एक्स माइनस टू की वैल्यू माइनस वन हो जाए और यहां पे पावर में देखेंगे कि इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, अब कोई भी है उस सब को कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं है, क्यों,
क्योंकि माइनस वन की पावर जरूरी नहीं कि इवन ही हो, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इधर वाले पे। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस टू की जगह माइनस वन भरे हैं तो माइनस वन की पावर में क्या है, इवन नंबर है, तो आपको फिर से यहाँ आपको इवन देखना है। लेकिन अगर बाई द वे यहाँ 13 होता, 11 होता, यानी ऑड नंबर होता, तो आपको वो वैल्यू लेनी थी जो यहाँ भरने के बाद इसको क्या बना दे, ऑड बना दे, इवन नहीं। इसलिए मैं आपको उस टाइम से मना कर रहा था ये याद करने से कि माइनस वन की पावर इवन लाएंगे, माइनस वन की पावर इवन लाएंगे, जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आरएचएस में हमारा दिया गया एक्सप्रेशन कैसा है, ये चीज मायने रखता है। तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू के जगह पे माइनस वन रखेंगे, यहाँ एक्स माइनस टू के जगह माइनस वन रखेंगे, हमने देखा है माइनस वन का पावर इवन है तो वन होगा, तो यहाँ पे माइनस वन का पावर इवन ही होगा, तभी जाकर वन होगा, अगर नहीं होता है तो वो सोल्यूशन नहीं होगा। अगर यहाँ x माइनस टू की जगह माइनस वन भरे और यहाँ पावर में ऑड नंबर अगर रहता तो क्या हो जाता, इसकी वैल्यू टोटली माइनस वन होता। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ऑड लाना पड़ता, तब ले जाकर के हमारा माइनस वन होगा, तब सेटिस्फाई करेगा, इवन रखने से तो होता नहीं। तो ये चीजें चेक करनी है आपको, ये चीजें ध्यान रखनी है। और चौथा जो केस था, जो फाइनल हमारा यहाँ आकर के गोल कर दिया, जो कि चौथा केस था, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ना, कि x माइनस टू की वैल्यू जीरो भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, x माइनस टू इक्वल टू जीरो अगर कर देंगे तो जीरो की पावर नॉन जीरो नंबर इज इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और यहां x माइनस टू की जगह जीरो भर दे तो जीरो की पावर नॉन जीरो नंबर जीरो रहेगा, तो ये भी एक सॉल्यूशन छोड़ेगा। समझ में आई बात, यही है क्वेश्चन है आईआईटी वाले हिसाब में। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है x की वो वैल्यू नहीं लेनी है जो मीनिंगलेस टर्म बना दे, मीनिंगलेस एक्सप्रेशन बना दे, जो उसको जीरो मतलब जीरो टू द पावर जीरो का फॉर्म बना दे, ठीक है। ये चीज तो आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करके आप जरा हमें बताएं कि कितना हो रहा है। आप हमें क्या बताएंगे, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है, ठीक है। आप कैलकुलेट करें, उसके बाद से मैं कैलकुलेट करता हूं और फिर मैच करें कि कहां आप सही है या कहां गलत है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो इसको मैं देखता हूं आपको क्या हो जाएगा, वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स कर लो और प्लस थ्री एक्स कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस, चलो ठीक है, बैलेंस हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस फोर हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस थ्री कर लो, एक्स माइनस फोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या बन गया बेटा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री कॉमा फोर, क्लियर है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच, कह दिया तो गलत होगा, कह नहीं सकते हैं ना भाई, क्योंकि जब तक सॉल्यूशन वही कहा जाएगा, मैं हर एक प्रॉब्लम में बोला हूँ, सॉल्यूशन वही कहा जाएगा जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो एक्स इक्वल टू अगर तुम यहाँ माइनस थ्री भर दो, या फिर एक्स इक्वल, हाँ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री भरोगे तो क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा और ये ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस थ्री भरेंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस फाइव की पावर ट्वेल्व, माइनस फाइव की पावर ट्वेल्व, सेटिस्फाई कर दिया। फोर भरेंगे, फोर माइनस टू टू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस फोर, सेटिस्फाई कर गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि ये हमारा फोर भरा टू भर गया तो कितना हो जाएगा, टू हो गया, और ये कितना हो जाएगा, सिक्सटीन और माइनस फोर ट्वेल्व हो जाएगा, टू टू की पावर ट्वेल्व आ गया, सेटिस्फाई कर गया, तो ये दोनों सोल्यूशन होंगे। थ्री भरेंगे तो अब देखिए, जैसे थ्री भरेंगे तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, नाइन माइनस थ्री सिक्स हो जाएगा, तो वन ये बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, वन बचेगा, यानी ये दोनों सेटिस्फाई कर गए, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, वन भरते हैं, एक्स माइनस टू बराबर वन, सॉरी माइनस वन, तो एक्स इक्वल टू वन भरिए, वन भरेंगे यहाँ पे क्या दे देगा, माइनस वन दे देगा। जरा आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, एक्स की वैल्यू वन भरने पे क्या दे दिया, ये माइनस वन दे दिया, और यहाँ वन का वन माइनस माइनस वन बराबर माइनस वन टू दी होल पावर ट्वेल्व, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का पावर ट्वेल्व, सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर कहाँ सेटिस्फाई किया, टू इज इक्वल टू ट्वेल्व आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस वन का होल स्क्वायर क्या दे देगा, प्लस वन, और माइनस वन टू दी होल पावर ट्वेल्व क्या दे देगा, प्लस वन, यानी ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसको देखते हैं, एक्स इक्वल टू टू भर करके, यहाँ टू भर क्या दे देगा, जीरो दे देगा, ठीक है, और यहाँ टू भरेंगे तो टू दी पावर टू फोर, फोर माइनस टू टू हो जाएगा,
तो यहां पे क्या मिल गया बेटा, जीरो की पावर टू, और यहां क्या आएगा, जीरो की पावर टू आएगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो इससे आपको क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि जब भी अगर आप बेस जीरो भरते हैं तो एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि ये अगर जीरो आपने रख दिया है देख लीजिए, और अगर इस वैल्यू पे ये जीरो हो जाता तो जीरो टू दी पावर जीरो का फॉर्म हो जाता, मीनिंगलेस हो जाता, क्लियर। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको कि जब x माइनस टू को आपने जीरो भर दिया और ये वैल्यू डालने के बाद अगर ये बाय द वे नेगेटिव हो जाता तो जीरो की पावर में नेगेटिव जब जाएगा तो वन अपॉन करके लिखा गया तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। इसलिए मैंने बोला कि जब x माइनस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखने पे एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए। जस्ट आपको जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन उसमें छोड़ा हुआ है उसमें देखेंगे कि जब उसमें भी दोनों तरफ बेस वेरिएबल है तो जब बेस को जीरो पुट करेंगे x की जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू एक्सपोनेंट में रखने के बाद पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, और जो वैल्यू आ रही है x की उसमें देखना 10 × x जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर दूसरे तरफ एक एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट में वो हमारा पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अगर बनेगा तब भी लेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन बेटा कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, हमारे इसके क्या हो जाएंगे, फाइनल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान देनी थी, ये कुछ हमारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम थे, बहुत अच्छे प्रॉब्लम थे जिसमें आईआईटी जेईई मेंस में भी पूछा गया सवाल है, और ये बहुत लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल ये प्रॉब्लम है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है लेकिन आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं कि बकवास करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये चीजें लंबी हुई है वीडियो, ताकि मैं और डेप्थ अप्रोच आपको दे सकूं, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, आगे मैं नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं उसमें, एंड देन आपको लिनियर इनइक्वालिटीज आएंगी, फिर मॉडल्स आएंगे, तो ये सारी चीजें डिस्कस होती रहेंगी, है ना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार, थैंक यू।